गुड इवनिंग। अवे यॉल, क्या बात है, सब रेडी है? राइट, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, सो कितने लोगों ने आज सुबह का क्लास अटेंड किया? कितने लोगों ने क्वेश्चन बैंक सीरीज अटेंड किया? कितने लोगों ने वो चैप्टर को रिवाइज कर दिया? यस, हाय संजना। संजना, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है? कितने लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो आज? ओके, नो, ओके, फाइन फाइन, सॉरी। आई डोंट थिंक सो, आई रेड योर नेम, अबुशात। आई थिंक ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, राइट? हाय लीना, वेर आर यू फ्रॉम? थैंक यू सो मच आल्फिया, थैंक यू। हाय अश्विनी। यस, कितने लोगों ने डीएनए पढ़ा? कल मैंने बोला था। यस, हेलो अनु, हेलो गाइस। ओके, ठीक है, ग्रेट ग्रेट, गोन दिया। ओके, लिसन नाउ एवरीवन। पहला चीज, आई एम डॉक्टर मनालीशा, वेलकम टू नून एकेडमी। यस, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी। अभी क्लास स्टार्ट करने के पहले, जो भी फर्स्ट टाइम अटेंड करे उनको बताती हूँ कि सुबह 6 बजे, 6 AM to 7:30 AM क्या होता है? क्वेश्चन बैंक डिस्कशन होगा। क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड्स ने दिया है, सो वी आर डिस्कसिंग दैट। एंड उसमें अभी कल कौन सा चैप्टर होगा? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यस, एकदम मस्त, राइट? यस, थैंक यू। फर्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो अगर टाइम मिलता है क्लास के बाद, एक बार वो चैप्टर गो थ्रू करो। यस, फिर हम लोग कल क्वेश्चन बैंक सीरीज में उसका सब डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। एंड अदर देन दैट, अभी क्या पढ़ रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। चलो, नो इश्यूज, आई हैव नॉट स्टार्टेड येट, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। यस, ओके, ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज एंजाइम्स, ये सारे जो ओव्यूल और वो सब है ना, वो सारे कल सुबह रिवाइज करेंगे, कल डाउट्स पूछो वो। यस, अभी बायोटेक्नोलॉजी, प्योर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, कुछ नहीं। नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर गाइस। चलो, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, और इसमें क्या पढ़ा हमने कल? हमने देखा कि अगर मुझे कुछ, अभी हमें वैक्सीन बनाना है, राइट? हमें वैक्सीन बनाना है, तो वैक्सीन कैसे बनाते हैं? यस, वी डिस्कस पीसीआर। यस, सो कल हमने पहला चीज क्या पढ़ा? क्विकली पीसीआर पढ़ा। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चलो फटाफट लिखो। वेरी गुड, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जेरोक्स मशीन है हमारी, एक डीएनए से बहुत सारी कॉपीज बनाने वाले हैं। यस, इसके 3 स्टेप्स थे। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या था? डीएनए की जो चेन थी उसको अपने ब्रेक कर दिया। ये स्टेप को क्या बोलते हैं? डीनेचरेशन। वेरी गुड। क्या टेम्परेचर पे था? क्विकली 92 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? ये जो स्पॉट्स कट, ये हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं जो कल हुआ था। क्या होता है, टेम्परेचर लो करेंगे तो कौन अटैच करेगा? कौन अटैच करेगा? आरएनए प्राइमर, पहले प्राइमर अटैच होगा, ओके, और फिर तुम्हारा बाकी न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे। प्राइमर होगा तो ही आगे प्रोसेस जाएगा। 40 to 50। वेरी गुड। एंड अनीलिंग, 40 to 60 एंड अनीलिंग, प्रोसेस का नाम है अनीलिंग। थर्ड स्टेप, लास्ट प्रोसेस, क्या करते हैं? नया डीएनए बन गया, कॉपी बन रही है, राइट? तो क्या होता है, ये हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं गाइज, ये हमने कल पूरे क्लास में पढ़ा था। सो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो अगेन, अगर डाउट्स है तो मुझे बताओ। यस मालविका, इसका रिकॉर्डिंग है, आप ऐप डाउनलोड करो, ऐप में रिकॉर्डिंग है।
पॉलीमराइजेशन, और फिर अगर आपको जो भी डाउट है यू आस्क मी, ओके मालविका। तो यहाँ पे हम लोग एक एंजाइम डालते टैक पॉलीमरेज, यस, एंड टैक पॉलीमरेज का 70 to 75 इतना ही पढ़ा। चलो नाउ, वेरी गुड हुमायरा, सबको बहट हो गया ना। चलो आगे का पार्ट करते हैं। अभी आगे का पार्ट क्या है, इतना जो हम लोग जीन क्लोनिंग डी बायोटेक्नोलॉजी बोल रहे हैं तो होता क्या है। सी अभी अच्छे से सुनो, इमेजिन ये मेरा जीन है, मेरे डीएनए का एक पार्ट है, दिस इज जीन, और ये जीन नॉर्मली मेरे में एंटीबॉडीज बनाता है, कोई भी डिसीज के लिए मिसाइल बनाता है, बॉम्ब बनाता है, ओके। अभी मुझे क्या चाहिए, ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना है, आई वॉन्ट इट इन मैनी मैनी बॉटल्स पूरे इंडिया में, अभी पूरी दुनिया को हम लोग वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, राइट। तो इतना लार्ज स्केल पे बनाना है तो क्या करेंगे, देखो हम लोग, पूनम प्लीज चेक योर इंटरनेट और फोन अनम्यूट पे रखो, यस। सो लिसन, एक बैक्टीरिया लेंगे, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट लेंगे, यस, हाय अमीना। ये जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर एक मेन डीएनए होता है और दूसरा उसका एक्स्ट्रा डीएनए होता है। ये एक्स्ट्रा डीएनए को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं, ये उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मेन डीएनए नहीं है, एक्स्ट्रा डीएनए, प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड निकालेंगे, इधर तक सबको समझा है, यस, इधर तक सबको समझा है, वेरी गुड। देन वॉट वी विल डू इज वी आर गोइंग टू कट अपना डीएनए भी कट कर देंगे और ये वाला पार्ट कट कर देंगे और फिर उसको मिक्स कर देंगे। तो ये प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड में हमने क्या डाल दिया, हमारा डीएनए डाल दिया, समझा, एंटीबॉडीज बनाने वाला पार्ट डाल दिया। एनी डाउट्स टिल योर तो कट करने के लिए जो एंजाइम होता है, जो कैची है हमारी, वो है एंडोन्यूक्लियस, यस, एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यस। तो ये कट करने के लिए जो एंजाइम है वो कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यस। और फिर इधर चिपकाना है, तो चिपकाने के लिए हमारा गम कौन सा है, चिपकाने के लिए गम कौन होगा, वेरी गुड, लाइगेज। इधर तक समझा है, इधर तक समझा है सबको। ये जो नया डीएनए बना ना, हमारा और बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन बन गया, राइट, इसको बोलेंगे आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब नया कॉम्बिनेशन बन गया पूरा। आदिल आज समझ रहा है ये पार्ट तुमको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एनी डाउट्स स्टिल हियर गाइस, वेरी गुड। अभी एक बार ये डीएनए बन गया, फिर एक दूसरा अलग बैक्टीरिया लेंगे, दूसरा बैक्टीरिया लेंगे और उसमें ये डाल देंगे, समझा, अंडरस्टूड, दूसरा बैक्टीरिया लेंगे और उसमें ये डीएनए डाल देंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, ऑल गुड टिल नाउ। अभी जो प्लाज्मिड लिया, रिकॉम्बिनेंट मीन्स नया कॉम्बिनेशन, नया बन गया ना, पहले वो पर्पल और पिंक अलग थे, अभी नया बन गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया, समझा, यस। तो ये जो प्लाज्मिड है इसको बोलते हैं वेक्टर, क्या बोलते हैं, वेक्टर। और ये जो नया बैक्टीरिया लिया उसको बोलेंगे होस्ट। एनी डाउट्स टिल हियर। अभी क्या होगा, ओके गाइस, जो लोग लेट आए हैं, एनीवेज पूरा चैप्टर, पूरा लेसन यही चीज पे, आई विल बी रिपीटिंग दिस डायग्राम अगेन एंड अगेन, डोंट वरी। अभी क्विकली बताती हूँ, हमारा डीएनए लेंगे, बैक्टीरिया का डीएनए लेंगे, बैक्टीरिया के डीएनए को प्लाज्मिड बोलेंगे, यस, दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं। दोनों को मिक्स करने के बाद
नहीं हो सकता है, सॉरी। दोनों को मिक्स करने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग कहाँ पे डालेंगे? होस्ट में डाल देंगे, दूसरी बैक्टीरिया में डाल देंगे। यस, अभी ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा? ये डीएनए पढ़ेगा, प्रोटीन्स बनाएगा। और हम लोग क्या एंटीबॉडीज का बात कर रहे थे ना, ये एंटीबॉडीज बना के बाहर फेंक देगा, बिकॉज इट डजेंट नीड इट, इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, सो इट विल थ्रो इट आउट। ये एंटीबॉडीज हम लोग बॉटल में भर के इंजेक्शन करके देते हैं, समझा? अभी डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस? अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ओके? दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। अभी एक एक चीज पढ़ेंगे हम लोग। यस, एक एक चीज पढ़ेंगे। एंजाइम्स पढ़ेंगे, यू कैन सी द प्रीवियस क्वेश्चन बैंक सेशंस, यू विल हैव टू अदर ग्रुप, उसमें मिलेगा। यस, बैक्टीरिया एंटीबॉडीज बनाएगा, बट उसको प्रॉब्लम, उसको जरूरत नहीं है, तो वो बाहर फेंकता जाएगा, समझा ऐश्वर्या? यस, क्योंकि सब में सेम जीन्स है, सेम प्रोटीन्स है, तो जो हम लोग बनाते हैं हर ऑर्गेनिज्म वही बनाएगा, दैट इज यूनिवर्सल कोडिंग, यूनिवर्सल जेनेटिक कोड, ओके। एंड अभी फर्स्ट एंजाइम कौन सा था? न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये क्या कट करता है? यस, यू विल गेट, यस ऐश्वर्या, हम लोग वो यूज करते हैं, ओके। नाउ सो एंजाइम्स, न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा? डीएनए की जो चेन है, सी ये एक डीएनए, यस यू रिमेम्बर, हमने फॉस्फेट शुगर देखा था डायग्राम में, फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल, यस। एंड व्हाट डू वी हैव इन मिडिल? नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, राइट? याद आ रहा है सबको? और ये किससे कनेक्टेड है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो तुम्हारे जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या करेगा? कट करेगा। कहाँ पे कट करेगा? देखो, यस, वेयर विल इट कट इट? सो इट्स गोइंग टू कट एट दीज बॉन्ड्स, समझा? तो एक पार्ट ऐसा, एक पार्ट ऐसा, ऐसे साइड में कट करेगा। यस, सो जो एक्सोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस है, वो ऐसे इधर साइड में कट करेगा। एक्सो मतलब बाहर, और एंडोन्यूक्लियस बीच में कट करेगा। अंडरस्टूड? यस, यस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? बाहर कट करेगा, और एंडोन्यूक्लियस बीच में कट करेगा। तो एक्सोन्यूक्लियस से जब कट होगा ना, तो डीएनए ऐसा ब्लंट एंड्स बोलते हैं इसको, ब्लंट एंड्स देगा। यस, ये पूरा बॉन्डेड है। देखो, न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? डीएनए को कट करता है। एक्सोन्यूक्लियस उसकी स्ट्रैंड्स को कट कर देगा। यस, तो फिर क्या होगा? डीएनए ऐसे, देखो, एक डीएनए बड़ा, एक डीएनए नीचे छोटा, ऐसे बनेगा। इसको बोलते हैं ब्लंट एंड्स। और एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? एंडोन्यूक्लियस किधर कट करेगा? एंडोन्यूक्लियस बीच में कट करेगा। तो क्या बनेगा? देखो, ऐसा आधा 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 अधूरा बनेगा। यस और नो? हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करेगा, तो उसको बोलेंगे स्टिकी एंड्स। एनी डाउट स्टिल हियर? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट करेगा, उसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। ऑल गुड टिल नाउ? आज सबका दिमाग वही चीज बोल रहे हो, तो सबको समझ रहा है ना? यस, सो एक्सोन्यूक्लियस कट करता है साइड में, जो तुम्हारी लैडर है। देखो, डीएनए तुम्हारी लैडर है। अगर मैं लैडर को ऐसा इधर कट कर दूंगी तो क्या बनेगा? दो लैडर बन जाएंगे। यस और नो? यस, यस। और ये एक्सोन्यूक्लियस करेगा। ये कौन करेगा? एक्सोन्यूक्लियस करेगा। यस, यस। और ये जो कट किया उसको बोलते हैं ब्लंट एंड्स। कौन से एंड्स? ब्लंट एंड्स।
और एंडो न्यूक्लियस उसको ऐसा बीच में से कट करेगा तो ऐसे वर्टिकल स्ट्रैंड्स बनेंगे, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। इतना ही है और कुछ भी नहीं है उधर। यस सो ब्लंट मीन्स इक्वल हाफ में, या इक्वल हाफ नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, आई शो यू अ डायग्राम, आई हैव अ डायग्राम, देखो। यस 1 मिनट, ये देखो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस क्या करता है, अनइक्वल होगा अल्फिया। यस ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, दिख रहे हैं ये स्टिकी एंड्स दिख रहे हैं तुम लोग को अभी, आधे आधे नाइट्रोजन बेसिस है सिर्फ, ये होता है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस का काम, इट विल ब्रेक द डीएनए वर्टिकली। यस ओके तो बिकॉज ये कट कर रहा है एंडोन्यूक्लियस, इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। यस यस सिर्फ एंडो था, बराबर है, बिकॉज सिर्फ हाइड्रोजन कट हो रहा था। नाउ सॉरी सॉरी, व्हाट यू कैन डू इज प्लीज गो थ्रू द वीडियो अगेन प्लीज, बिकॉज फिर आगे ही नहीं जाएंगे। स्टिकी एंड्स का मतलब क्या है, स्टिकी एंड्स का मतलब क्या है, नाइट्रोजन बेस है, इधर जो हाइड्रोजन बॉन्ड और बाकी का पार्ट था वो सारा कट हो गया, अंडरस्टूड? यस तो तुम्हारा सिर्फ एक स्ट्रैंड बचता है, सिर्फ डीएनए का एक स्ट्रैंड बचेगा, दैट इज स्टिकी एंड। ब्लंट मीन्स इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बॉन्डेड है ना, यहाँ पे बॉन्ड करने का कुछ फायदा नहीं है, बीच में बॉन्ड करेंगे तो नया स्ट्रैंड ऐड होगा, तो ही हम लोग हमारा और वो प्लाज्मिड में ऐड कर सकते हैं, अंडरस्टूड? सो स्टिकी एंड्स आर इम्पोर्टेंट। अभी किधर कट करना है ये कैसे पता चलता है, सो एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है ना, दे विल लुक फॉर रिकॉग्निशन सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस देखेंगे, और ये पर्टिकुलर सीक्वेंस ना आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, इट इज सेम ऑन बोथ साइड्स, इट इज सेम, जैसे नितिन नितिन तुम आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, सेम है कि नहीं वर्ड? तो डीएनए में जहां पे भी सेम वर्ड्स आएंगे, सेम सीक्वेंस आएगा, राइट, वहां पे कट होगा, वहां पे बीच में कट होगा, अंडरस्टूड? These sequences are called as palindrome. क्या बोलते हैं? Palindrome बोलते हैं इसको. Palindromic sequence. कहीं पे भी कट नहीं कर सकते, यही सीक्वेंस पे कैची चलेगी. Yes. All good till now. All good till now. Yes. So अभी देखो, जब ये कट करेगा तो ये ऐसे बीच में से कट कर देगा. यस सो यहाँ पे एक कट, यहाँ पे एक कट, ऐसे बीच में से कट करेगा तो क्या होगा, देखो स्टिकी एंड्स होगा, स्टिकी एंड्स। पैलिंड्रोम मतलब क्या है, इधर से पढ़ो या उल्टा पढ़ो, दोनों साइड पे सेम वर्ड्स आ रहे हैं, सेम अल्फाबेट्स आ रहे हैं, राइट, उसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। ओके नहीं रे बाबा, वो अलग था। ओके वो अलग था, उधर नहीं था पैलिंड्रोम। सो क्या करते हैं, हमारा जो सीक्वेंस है उसके एग्जैक्टली बीच में कट करते, दिखा? सो हमारे पास क्या हो गया, दो अलग स्ट्रैंड्स हो गए अभी। एनी डाउट्स लाइक दिस? यस हेलो 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 ओके फाइन टिल योर। सो अभी देखो ये अलग अलग सीक्वेंसेस है जहां पे कट होता है, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस कौन सा है, इको आर आई और हिंट टू। इको आर आई का सीक्वेंस क्या है, GAATTC, तो ये देखो ये ऐसे बीच में कट करेगा, अंडरस्टूड? और क्या देगा, स्टिकी एंड्स देगा, स्टिकी एंड्स मतलब एक स्ट्रैंड पे देखो जी आ रहा है, दूसरी जगह AATT आ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ही नहीं है, नीचे वाला पार्ट ही नहीं है, समझा?
ऑल गुड। यस, अभी एक बार ये कट करेंगे ना तो हमारा जीन में से, समझो मेरा जीन पूरा ऐसा है, ओके सॉरी वेट 1 मिनट, इमेजिन पूरा जीन मैंने कट कर दिया, ये पूरा डीएनए है, और एंड में मेरा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, अभी जो हमने कट किया ना, स्टिकी एंड्स आ गए। सेम चीज, ओके, डीएनए नहीं पढ़ा होगा तो शायद समझ में नहीं आएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर अगर नहीं पढ़ा है, और मैंने कल बोला था रेप्लिकेशन पढ़ो तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है ना। ये मेरा जीन है राइट, ये स्टिकी एंड्स है, तो क्या करेंगे, प्लाज्मिड के भी, ये मेरा ये प्लाज्मिड है बैक्टीरिया, उसके भी स्टिकी एंड्स कट कर देंगे लाइक दिस, उसके भी स्टिकी एंड्स कट करेंगे, और ये दोनों एक दूसरे से चिपका देंगे, अंडरस्टूड? यस, ओके, सो व्हाट आर वेक्टर्स, ओके व्हाट आर वेक्टर्स, वेक्टर्स आर बेसिकली, आई विल रिपीट, डोंट वरी, आई विल रिपीट दैट पार्ट ऐश्वर्या, आई विल कम टू दैट पार्ट। वेक्टर्स क्या होते हैं, जो भी हमारा जो डीएनए है, हमारा जो डीएनए है वो उसके अंदर मिक्स करना है, सो वेक्टर्स आर डीएनए मॉलिक्यूल्स विच कैरी फॉरेन डीएनए, मतलब हमारा डीएनए किसी और का डीएनए अपने डीएनए में मिक्स करता है, उसको वेक्टर बोलते हैं। यस यस, व्हीकल डीएनए। अभी एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है। सी फर्स्ट इसमें मैंने क्या बोला था डायग्राम में, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया मैंने क्या बोला कि हमारा जो डीएनए है, सॉरी यस, फर्स्ट इसमें हमने क्या बोला कि हमारा जो डीएनए है उसमें हमारे डीएनए का एक पार्ट ले रहे हैं और ये प्लाज्मिड वाले डीएनए में डाल रहे हैं, यस और नो? हाँ, तो फिर वो वही बोल रही हूँ मैं, वही चीज बोल रही हूँ कि वो वेक्टर है राइट, और वो, यस 1 मिनट सॉरी, यस, सो इन दैट वेक्टर, तो वेक्टर कौन से होते हैं, प्लाज्मिड होगा, बैक्टीरियोफेज होगा, कॉस्मिड, फैग्मिड, कुछ भी हो सकते हैं, सबसे कॉमन होता है प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज, समझा? सबसे कॉमन कौन से है, यू नीड टू नो द कॉमन वंस, यीस्ट, यीस्ट वो होता है जिससे हम लोग ब्रेड बनाते हैं, फंगस होता है, ओके, सो इनके अंदर हम लोग हमारा डीएनए डालते हैं, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज, वेरी गुड, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। नाउ व्हाट इज अ गुड क्लोनिंग वेक्टर, कौन सा वेक्टर सिलेक्ट करना चाहिए, वेक्टर कैसा होना चाहिए, पहला चीज इट शुड रेप्लीकेट ऑन इट्स ओन, मतलब खुद ही कॉपीज बनानी चाहिए, उसने खुद डिवाइड हो जाना चाहिए अपने आप, यस, फॉरेन मतलब हमारा ना, वायरस के लिए फॉरेन है ना, हम लोग फॉरेन बॉडी है, ओके, सो पहला चीज इट शुड कॉपी ऑन इट्स ओन, इट शुड बी इजी टू पुट एन होस्ट सेल, मतलब बैक्टीरिया के अंदर जब मुझे वो वेक्टर डालना है तो वो इजी होना चाहिए ना, बैक्टीरिया मरना नहीं चाहिए उसमें, तो ही तो काम में आएगा, बैक्टीरिया मर गया तो पूरा प्रोसेस फ्लॉप हो जाएगा। नेक्स्ट इट शुड हैव मार्कर जीन्स, मार्कर जीन्स क्या है मैं आज पढ़ाऊंगी आगे, डोंट वरी। इट शुड हैव पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है तो ही तो कट होगा, तो ही तो स्टिक होगा, अंडरस्टूड? एंड इट शुड हैव एवरीथिंग एल्स यू नीड टू मेक अ प्रोटीन, क्योंकि उसको फाइनली तो प्रोटीन बनाने, तो उसके पास प्रमोटर, ऑपरेटर सब होना चाहिए, यस अंडरस्टूड नाउ? सो देखो अभी तुम लोग का जो डाउट था, ये प्लाज्मिड है, इट इज इन, ये वी गॉट इट फ्रॉम ई कोलाय, तो ये प्लाज्मिड में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये सारे सीक्वेंसेस दिख रहे हैं, ये सारे नाम दिख रहे हैं, तो अगर मैं HIND3 यूज करती हूँ, HIND3 सीजर यूज करती हूँ, तो इट विल कट एट दिस पॉइंट, अगर मैं, यस उसमें भी हमारा डीएनए है,
आई विल गिव यू अ फ्लो चार्ट, डोंट वरी. पहला कंसेप्ट खत्म करते हैं. आई विल गिव यू अ गुड फ्लो चार्ट, इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर एवरीथिंग. पहले समझ के लो. अगर मैं समझो इको आ रहा है, जो अभी हम लोग ने सीक्वेंस देखा, वो कट करूंगी तो हमारा जीन इधर जाएगा. यस, फाइन टिल हियर? एनी डाउट्स टिल हियर? यस. तो देखो, जब प्लाज्मिड में मुझे अगर कुछ चीज डालना है तो क्या करेंगे. देखो, प्लाज्मिड का डीएनए ऐसा है, उसमें हम लोग हमारा डीएनए मिक्स करते हैं. यस, इधर जो भी मेरा सीक्वेंस है, अगर मेरा सीक्वेंस समझो CAT है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो इसका एग्जैक्टली उल्टा होना चाहिए उसके पास. एग्जैक्टली उल्टा GTA वगैरह, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होना चाहिए, तो ही चिपकेगा. यस और नो? दे शुड हैव द सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो ही वो चिपकेगा एक दूसरे से. Yes, see, I know the chapter is a bit difficult, but I'm making it as simple as possible. Yes? I'm making it as simple as I can. इधर तक समझ आया सबको? All good till here. Now listen. एक बार ये हो गया हमारा stick, हमें पता कैसे चलेगा कि पूरा DNA गया है? ऐसा भी तो हो सकता है कि process में हमारा DNA आधा गया. ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जीन एक्स्ट्रा गया या फिर गलत जगह पे गया. यस और नो? यस, यस और नो? जानवी, कैन यू टेल मी विच पार्ट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग? सो टू मेक श्योर कि पूरा जीन गया है, हम लोग इधर आगे और पीछे मार्कर जीन्स डालते हैं. अभी ये जब कॉपी करेगा तो हम लोग देखेंगे कि पूरा मार्कर आया कि नहीं आया, दोनों मार्कर आए कि नहीं आए. अगर दोनों मार्कर आए, मतलब हमारा पूरा जीन कॉपी हो गया है. अगर एक ही साइड कॉपी हुआ, समझो एक ही मार्कर आता है, ऐसा एक ही मार्कर अगर आया, दैट मीन्स हमारा जीन क्या हो गया है, आधा ही आया, कंप्लीट जीन नहीं कॉपी हो रहा है. समझा? सो ये वाले पार्ट को हम लोग फेंक देंगे, वो वाला प्लास्मिड को हम लोग फेंक देंगे. मार्कर क्यों डालेंगे? मार्कर इसलिए डालेंगे ताकि हमारा पूरा जीन कॉपी हुआ है कि नहीं वो समझे. यस, इफ बोथ द मार्कर्स आर कॉपीड, यस इफ बोथ द मार्कर्स आर कॉपीड, आई विल रिप्लाई, डोंट वरी. If both the markers are copied, that means our entire gene is there now. कोई भी part miss नहीं हुआ है. समझा? Yes. All good till now. I will repeat. Don't worry. Don't worry. Yes, I'll repeat. 1 minute. See. Plasmid. उसमें हमने क्या डाल दिया? हमारा DNA डाल दिया. Right? All good till here. ये दोनों एक दूसरे से बाइंड होने चाहिए. So they should have the same sequence, same palindrome चाहिए. जो कैची हम लोग हमारे डीएनए के लिए यूज करते हैं, सेम कैची, सेम एंडोन्यूक्लियस प्लाज्मिड के लिए यूज करेंगे. समझा? सेम सीक्वेंस पे कट होगा दोनों के लिए. एंड वी पुट इट नियर मार्कर जीन्स. मार्कर जीन्स मतलब क्या है? देखो, अगर ये पूरा सीक्वेंस आया तो जो भी मैं इसको अगर जो जेल में डालती हूँ तो वो जेल ब्लू हो जाएगा, तो वो मार्कर हो गया. मुझे समझ में आ गया कि ओके, पूरा बैक, पूरा वायर, पूरा प्लाज्मिड वर्क कर रहा है, मेरा जीन पूरा कॉपी हुआ है. अंडरस्टूड? यस. सो व्हेन यू पुट दिस इन द बैक्टीरिया, यू कैन अंडरस्टैंड कि पूरा सीक्वेंस आया है कि हमारा जीन नहीं आया है. अंडरस्टूड? यस. एनी डाउट्स नाउ? ज्योति नहीं, जानवी, डिड यू अंडरस्टैंड? मार्कर जीन क्या करेगा? बेसिकली डिसाइड करेगा. चेंज नहीं हुआ तो हम लोग वो पार्ट को फेंक देंगे. मतलब पूरा सीक्वेंस नहीं आया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, प्रोटीन अच्छा नहीं बनने वाला है.
तो वो फेंक देंगे, वी विल नॉट यूज दैट मार्कर. ऐसा क्या करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. पहला चीज, वी विल डू इट मेनी टाइम्स अल्फिया, बहुत सारे करके रखेंगे, जिसमें से तुमको मार्कर चेंज मिल रहा है वो वाला यूज करोगे टू मेक इंसुलिन, वो वाला यूज करोगे टू मेक एंटीबॉडीज, बाकी सारा कचरा फेंक देने का. यस यस. मार्कर क्या करेगा? मार्कर तुम्हारा जो जेल है उसका कलर चेंज कर देगा. यस. मार्कर जीन सीक्वेंस है और कुछ नहीं, वो भी डीएनए का ही पार्ट है, कुछ अलग नहीं है. या फिर मार्कर क्या करेगा? कोई भी मेडिसिन है ना, उप्स, मार्कर क्या करेगा? कोई मेडिसिन से रेजिस्टेंस देगा. मतलब अगर समझो मैं इसमें, यस, वो प्रोटीन बनाता है. यस, समझो ये मेडिसिन एक्स, अगर मैं एक्स डालती हूँ तो नॉर्मली सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, बट अगर जिस भी बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड गया वो एक्स वाली मेडिसिन में मरेगा नहीं, वो रेजिस्टेंस देगा, वो सरवाइव करेगा. समझा? आई नो थोड़ा सा हैवी ड्यूटी है, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द सर्वाइवल, इट डिपेंड्स ऑन कितना टाइम वो कॉपी होने को ले रहा है. यस ओके. नाउ प्लाज्मिड फॉर प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. यस आई विल टेक 1 मिनट. यस ओके. नाउ लिसन गाइस, अगर प्लांट्स में प्लाज्मिड यूज करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं पता है? एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेशियंस. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. ये क्या करेगा? प्लांट को ना एक डिसीज देगा, प्लांट को ट्यूमर्स देगा. ट्यूमर मतलब तुम लोगों को पता है ना, गांठ. तो प्लांट को ऐसे गांठ होगी. यस एंड दिस इज यूज्ड एज अ वेक्टर. तो ये जो एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेशियंस होता है बैक्टीरिया, उसमें से उसकी प्लाज्मिड निकालेंगे एंड वो प्लाज्मिड में हमारा मेडिसिन डालेंगे. यस. सो नाउ व्हाट विल हैपन? इमेजिन मैंने इसमें पोलियो बनाने वाली दवाई डाल दी. यस वो पूरा जीन कोड डाल दिया, तो क्या होगा? जो प्लांट है उसके ट्यूमर में पोलियो के एंटीबॉडीज बनेंगे. अभी इजी हो गया ना, उतना कट कर लो प्लांट से, पुट इट इन द बॉटल. समझा? यस यस. लॉन्ग नहीं आएगा, मोस्टली ये चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे. ओके. लॉन्ग क्वेश्चंस फिक्स्ड मटेरियल पे आते हैं, जैसे मैंने लिखा था ना, प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, व्हाट इज एन आइडियल प्लाज्मिड, और जो मैंने पहला डायग्राम आज दिखाया ना, पूरा प्रोसेस, वो डायग्राम पक्का आता है. सी प्लांट्स में क्या करते हैं? प्लांट्स में हम लोग वो जो प्लांट है ना उसको एक बैक्टीरिया, आई टेल यू डोंट वरी, इस पे एक बैक्टीरिया अफेक्ट करते हैं, राइट? कौन सा बैक्टीरिया, क्या नाम बोला अभी मैंने, ये ट्यूमिफेशियंस, राइट? तो इसको ट्यूमिफेशियन बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करते, तो क्या होगा? ये प्लांट जो है ना उसको ट्यूमर हो जाएंगे. इज इट फाइन? उसको ट्यूमर हो जाएंगे. यस. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन से प्लांट को ट्यूमर हो जाएगा, गांठ बनेगी. इधर तक कोई डाउट है? नहीं, डायरेक्टली सीड में नहीं, सॉइल में डालेंगे, फिर वो इन्फेक्ट करेगा. तो जो सॉइल में हम लोग डाल रहे हैं ना, सी बेसिकली इतना ही बोला मैंने अभी तक कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. जब ये बैक्टीरिया प्लांट के अंदर जाएगा तो प्लांट को ट्यूमर बनेगा, गांठ बनेगी. इधर तक कोई डाउट है? यस. उसके बाद क्या होगा? अगर ये ट्यूमिफेशियन में हम लोग हमारा डीएनए डालते हैं तो प्लांट को क्या करेगा? प्लांट हमारा डीएनए यूज करेगा और वो ट्यूमर हमारे लिए दवाई बनाने लगेगी. जो भी जीन तुम डालोगे, एनी जीन यू पुट, तुम्हारा
मेडिसिन बनाने की जीन डाल दो, वैक्सीन बनाने की जीन डाल दो, ग्रोथ हार्मोन बनाने की जीन डाल दो, वट एवर जीन यू पुट द ट्यूमर विल मेक दैट फॉर अस. अंडरस्टूड? यस यस. हम लोग बैक्टीरिया में डालेंगे. विच प्लांट डिसीज? यस, दिस डिसीज इज कॉल्ड एज क्रॉन बॉल. ओके, क्रॉन गॉल, क्रॉन गॉल डिसीज बोलते हैं. ओके यस. दिव्या, विच पार्ट, कैन यू टेल मी विच पार्ट? कोई भी प्लांट. यस, कोई भी प्लांट, क्राउन गॉल, जी ए. यस दिव्या, कैन यू टेल मी विच पार्ट? यस, उसकी बीमारी हमारे काम की एक्चुअली. यस ओके, आई विल गिव यू अ क्विक फ्लो चार्ट ऑन दिस. सी व्हाट वी डू, वी टेक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. नहीं, वो नहीं मरता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके लिए वो वेस्ट है ना. ग्रोथ हार्मोन का प्लांट को क्या करना है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन बना के बाहर फेंकेगा, हम लोग यूज कर लेंगे. ओके, इसमें क्या डालते हैं, वी विल ऐड ह्यूमन डीएनए, एनी डीएनए दैट वी वांट, वी विल ऐड इट इन दिस. यस, आई कम टू दैट, डोंट वरी. ट्रांसपोसोन मतलब डीएनए का एक छोटा पार्ट होगा. ओके, जो डीएनए में ना उसकी पोजीशन चेंज कर सकता है. दिस विल कॉज ट्यूमर इन प्लांट्स. कौन सा डिसीज बोला मैंने इसको? यस, कौन सा डिसीज बोला? क्रॉन गॉल. एंड दिस व्हेन द व्हाट एवर डीएनए वी एडेड, सो द प्रोटीन बेस्ड ऑन ह्यूमन डीएनए इज मेड. समझा? इज प्रोड्यूस्ड. अभी कोई डाउट है? एंड दिस इज ऑब्वियसली ओनली इन प्लांट्स, हम लोग में नहीं करेंगे असिस्टेंट्स. इन प्लांट्स दिस इज माई प्लाज्मिड. नाउ ऑल गुड. चलो वन मोर कॉन्सेप्ट, डन. उसके पहले वाले का फ्लो चार्ट दूंगी, डोंट वरी. यस, एंड प्लीज ये पढ़ो जाके, अगर नहीं समझता यू कैन अगेन आस्क मी ऑन टेलीग्राम. एक बार हमारा जो बैक्टीरिया प्लाज्मिड वगैरह बन गया, फिर ये जो वेक्टर है उसमें हमारा डीएनए डाल दिया तो बन गया रिकॉम्बिनेंट. इसको बैक्टीरिया में डालेंगे, इसको बैक्टीरिया में डाल देंगे. सो दैट बैक्टीरिया इज अ होस्ट. होस्ट, यस. हमारे पास डीएनए बहुत है स्नेहा, हर एक सेल में डीएनए है, भर भर के डीएनए हमारे पास. यस, हर एक सेल में, सोचो कितने सेल्स है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. यस, होस्ट, होस्ट सेल कौन से होते हैं, नॉर्मली कॉमन होस्ट कौन से होते हैं? क्या बोला लास्ट में मैंने? हाँ, एक बार ये डीएनए मिक्स कर दिया, फिर वो प्लाज्मिड को हम लोग बैक्टीरिया में डालेंगे. बैक्टीरिया को बोलते हैं होस्ट. यस, एंड आई विल टेल द डिफरेंस. वेट, जैसे होस्ट में डाला ना, होस्ट में ये अपनी कॉपीज बनाएगा. प्लाज्मिड विल स्टार्ट रेप्लिकेटिंग, इट विल मेक इट्स ओन कॉपीज. ओके, यस, इट विल मल्टीप्लाई, एंड जो भी हमली दवाई चाहिए वो बना देगा. विच आर द बेस्ट होस्ट? कॉमन होस्ट पता होनी चाहिए, बैसिलस, हीमोफिलस, हेलिकोबैक्टर पायरोली. एनी डाउट्स? पायलोरी, सॉरी, पायरोली नहीं, पायलोरी. एनी डाउट्स टिल हियर? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस? दिस इज जीन क्लोनिंग, जो अभी तक हमने पढ़ा, दिस इज जीन क्लोनिंग. तो पहले क्या किया, हमारे डीएनए को कट कर दिया,
सो यूज दैट, जो बुक में दिया है वही यूज करो, ई कोलाय बोला है तो ई कोलाय करो फिर, ठीक है। पहले क्या कर दिया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को लिया, जो पार्ट मुझे मुझे जो भी जीन बनाना है वो जीन लिया, उसको कट किया, कहाँ पे कट किया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट किया, पैलिंड्रोम में कट किया, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या कर दिया, वी पुट द डीएनए इन अ क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर में डाल दिया। फिर एक बार ये बन गया तो ये जो नया वेक्टर का पूरा आरडीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट ने नया डीएनए है, उसको होस्ट में डाल दिया। एनी डाउट स्टिल हियर? यस, वी विल सिलेक्ट द होस्ट एंड मल्टीप्लाई इन दैट, इसमें इट विल मल्टीप्लाई एंड इट विल एक्सप्रेस द जीन। तो अगर मैं इंसुलिन वाली जीन डालू तो बैक लास्ट में क्या रिटर्न में मिलेगा, इंसुलिन मिलेगा। यस, सो व्हाट इज जीन क्लोनिंग? पहला चीज क्या किया, आइसोलेट द डीएनए। व्हाट डिड वी डू आफ्टर दैट, वी कट द डीएनए, देन पुट इट इन प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में डाल दिया, वेरी गुड। प्लाज्मिड में डालने के बाद क्या कर दिया, आरडीएनए बनते हैं, उसको हम लोग आरडीएनए बोलेंगे। हर्षद, वी विल मोस्टली गो फॉर ई कोलाय। यस, मैंने होस्ट के नाम दिए थे, देखो अभी ई कोलाय, एच पाइलोरी। यस, नाउ ये आरडीएनए किसमें, इंसर्ट द आरडीएनए इन होस्ट बैक्टीरिया। स्पेलिंग, स्पेलिंग कट करेंगे उधर आता है पैलिंड्रोम, जिधर कट करेंगे उधर पैलिंड्रोम आएगा। इंसर्ट द डीएनए इन होस्ट बैक्टीरिया, द आर डीएनए विल मल्टीप्लाई इनसाइड इट एंड इट विल एक्सप्रेस गिव आउट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। समझा? अभी जो स्टार्टिंग में हमने डायग्राम किया था वो बेसिकली यही था। ऑल गुड टिल हियर? आई एम पुटिंग द इमेज ऑन टेलीग्राम ऑफ, यस, सो प्लीज यू कैन यूज दैट, वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, आई नो दैट, बट आई एम हैप्पी तुम लोग को समझा है, राइट। यस, अभी इतना डिफिकल्ट नहीं है, अभी वही चीज को वापस 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 बोलते हैं, ठीक है। तो डीएनए आइसोलेट किया, तो कहाँ से आइसोलेट किया, हमारा डीएनए यू कहाँ से मिलता है, डीएनए कहाँ से मिलता है, हम लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बोला था। यस, सलाइवा, ब्लड, सेल, स्किन, नेल, हेयर, सीएसएफ, सीमेन, एनी फ्लूइड, किधर से भी तुम डीएनए निकाल सकते हो। समझा? यस, किधर से भी निकाल सकते हो। फिर उसको मिक्सर में डालना है, ब्लेंड करना है, मिक्स करना है, प्यूरिफाई करना है, तो पूरे सेल में से सिर्फ डीएनए को निकालना है। समझा? दिस इज आइसोलेशन। मिक्सर में डालो, चटनी बना दे, वैसे चटनी बनाओ, फिल्टर करो, फिर नीचे मिलेगा डीएनए। यस, नाउ सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, पूरा मेरा डीएनए मिल गया, जिधर चाहिए मुझे जितना पार्ट चाहिए उतना कट करेंगे, राइट। जितना पार्ट चाहिए सिर्फ उतना कट करेंगे एंड इट विल हैव स्टिकी एंड्स। एनी डाउट? थैंक यू सो मच ऐश्वर्या, थैंक यू, वेरी गुड। तो कौन है हमारी कैची, फटाफट लिखो, कौन है हमारी कैची, चैट बॉक्स में लिखो। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, अभी समझा? और ये कैची कहाँ पे चलती है, विच पार्ट ऑफ योर डीएनए, विच सीक्वेंस डू दे लुक फॉर, दे लुक फॉर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोम में ही कट करेगा, बाकी कहीं पे कट नहीं करेगा। ऑल गुड टिल हियर? और फाइनली बनाएगा स्टिकी एंड्स।
आई गिव यू वेरी डिटेल्ड फ्लो चार्ट, तो उतना चैप्टर में से सिर्फ उतना ही करके जाना है, मतलब पूरा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, वो करो तो भी तुमको याद रहेगा। आई विल शेयर दैट, डोंट वरी। ओके नाउ लिसन, फिर यू इंसर्ट इट इन द क्लोनिंग वेक्टर। सो विच आर द कॉमन वेक्टर्स, लिखो चैट बॉक्स में फटाफट, विच आर द कॉमन वेक्टर्स। यस ग्रुप पे सेंड करूंगी, टेलीग्राम पे, डोंट वरी। प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज, कौन से दो कॉमन वेक्टर्स है? प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज, दिस इज वॉट यू विल गेट, दिस विल बी योर एमसीक्यू। Which of these is a common cloning vector? Plasmid या bacteriophage? Plasmid में भी कौन सा? PBR 322, अभी वो रटने वाला काम है, PBR 322। Now, when you combine this, जब vector का DNA और हमारा foreign DNA, we'll do that, don't worry, yes? दोनों को जब मिक्स करेंगे तो नया डीएनए बनेगा, विच इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डेफिनेशन पता होना चाहिए, डेफिनेशन आ सकता है 1 मार्क के लिए। यस यस, ऑल गुड टिल नाउ? अभी समझ में आ रहा है? सबकी बत्ती जल रही है? दिमाग में थोड़ा सा जा रहा है कि अच्छे से जा रहा है? I've shared the telegram link. Okay, we'll take a breakout, then we'll continue. I'll tell the difference, Yusra. Give me 2 minutes. Ek question karte hai, fir jaate aage. 1 minute. Let me just check if I have added a good question. Okay, we have some good questions. No. 1 मिनट, ये तो इजी क्वेश्चन है बहुत अभी। यस पीसीआर वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये फ्लो चार्ट जो मैं, वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बहुत बार आके गया है। बहुत इजी था ना, अभी इजी लगेगा ही, ऑफ कोर्स। चलो वन मोर। यस 1 मिनट, सॉरी, give me a minute, let me just see, we should have some more questions. Okay chalo, yes, okay, TI plasmid, right? See bacteria mein hum log wo plasmid dalenge, samjha? okay again easy, barabar hai. Okay now concept, let's go back to this. खत्म करते आज ये पार्ट, खत्म करते हैं। यस ओके, आरडीएनए। नाउ नेक्स्ट, लेटर ऑन ऐश्वर्या, वैसे भी संडे को पूरा यही होगा। यस स्नेहा, आई थिंक तुम्हारा नेट स्लो होगा, इसके लिए शायद डिले होता है। नाउ लिसन गाइस, लेट्स कॉन्सेंट्रेट। एक बार हमारा आरडीएनए बन गया, आई विल कम टू दैट यू साइड मैन में, आई विल कम टू दैट, होस्ट बताने दो, फिर दोनों में डिफरेंस देती हूँ। यस यस अक्षय, प्लीज आस्क। डिले मतलब इंटरनेट स्लो होगा। ओके टाइम पास, लिसन नाउ, एक बार ये आर डी एन ए बन गया हमारा, राइट? आर डी एन ए मतलब रिकॉम्बिनेंट, मतलब हमारा डी एन ए और प्लाज्मिड का डी एन ए, मिक्सचर डी एन ए, इसको मुझे बैक्टीरिया में डालना है, राइट? तो बैक्टीरिया में डालने के लिए वी नीड कैल्शियम आयंस। बैक्टीरिया में जो उसकी वॉल है उसको ओपन करना है, उसके डोर ओपन करने, तो डोर ओपन करने के लिए कौन से आयंस चाहिए? कैल्शियम आयंस। कौन से आयंस? यस कैल्शियम आयंस। एंड वंस यू पुट द डीएनए इन इट, तो अभी ये होस्ट को बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो अभी ये अंदर डालने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है। एक तो बैक्टीरिया को शॉक देंगे और वायरस, ये प्लाज्मिड डाल देंगे, या फिर इंजेक्शन से डाल सकते हैं,
या फिर उसकी वॉल में होल करके डाल सकते हैं। यस, सो यू कैन हैव मैनी डिफरेंट मेथड्स। अंडरस्टूड? यस, ऑल गुड टिल हियर। नाउ एक बार ये होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हो गया, रेडी हो गया, वी चेक फॉर मार्कर जीन। मार्कर जीन, यस, मार्कर जीन क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन से होते मार्कर जीन्स। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन मतलब क्या है? एम्पिसिलिन में अगर हम लोग वो बैक्टीरिया डाल देंगे, अगर उसके पास जीन आया है, इफ द एंटायर जीन इज कॉपीड, इट विल सर्वाइव, इट विल लिव। इफ आधा अधूरा जीन है तो द बैक्टीरिया डाइज। अंडरस्टूड? यस। देखो क्या करेंगे, ये जो अभी अपना इतना होस्ट सेल बनाया हमने, उसमें हमने क्या डाल दिया है, हमारा डीएनए और बैक्टीरियल प्लाज्मिड, राइट, एंड मार्कर्स डाल दिए, राइट। ये मार्कर एम्पिसिलिन को रेजिस्टेंट बनाता है। एम्पिसिलिन मतलब मेडिसिन है, पेनिसिलिन का भाई है। ओके, एम्पिसिलिन को रेजिस्टेंट बनाएगा, और ये वाला दूसरा टेट्रासाइक्लिन को, सॉरी, टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबॉय, ये है क्या, एंटीबैक्टीरियल है। तो वेरी गुड अल्फिया, थैंक यू सो मच। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, ठीक है। और अभी क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया को उठा के मीडियम में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। यस, जेल में एम्पिसिलिन दवाई डालेंगे एंड टेट्रासाइक्लिन दवाई डालेंगे। इफ द होल जीन इज कॉपीड, पूरा कॉपी हुआ है, देन द बैक्टीरिया विल लिव। अगर आधा हुआ है तो ये दवाई से इट विल डाई। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड। दोनों जीन्स आए हैं, आगे पीछे के दोनों भी जीन्स आए हैं, मतलब हमारा जीन तो पक्का आया है, बीच का जीन तो पक्का आया है। समझा मार्कर जीन क्यों इंपॉर्टेंट है? यस, वन मोर टाइम लिसन। बैक्टीरिया, यस, वही जेल होता है, एगरोस जेल। सी स्नेहा, ये प्लाज्मिड है, राइट, और आगे पीछे क्या डाल दिया हम लोग ने, मार्कर डाल दिए। ये मार्कर एम्पिसिलिन को फाइट करेगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट बनेगा, तो बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मरने नहीं वाला है। ये वाला टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन से रेजिस्टेंस देगा। इज इट फाइन? यस, हाँ, ओके। नाउ व्हाट यू विल डू इज यू पुट इट इन अ मैम सॉल्यूशन, एगरोस जेल में डाल दो। जेल में एम्पिसिलिन भी डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन भी डालेंगे, ठीक है। अगर दोनों जीन्स कॉपी हुए तो ही बैक्टीरिया विल लिव, इट विल सर्वाइव, इट विल डिवाइड। अगर एक भी नहीं है तो बैक्टीरिया विल डाई। एम्पिसिलिन मतलब पेनिसिलिन जैसा दवाई है, मेडिसिन है जिससे बैक्टीरिया मरते हैं। ओके, कॉपी मतलब ऐसा क्या डाउट है? डिवाइड, थैंक यू। ओके, सो विच आर द मार्कर जीन्स? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। यस यस यस, सर्वाइव सर्वाइव, कॉपी मतलब डिवाइड, रेप्लिकेट। यस, कंफ्यूजन। हाय अंजलि, अंजलि आई एम सीइंग यू आफ्टर मेनी डेज, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? अभी खत्म हो गया, दो ही चीजें अभी, फिर क्या होगा, धड़ाधड़ बैक्टीरिया ने सरवाइव किया ना, तो अपने प्लाज जो री आरडीएनए है ना, वो कॉपी होगा, वो रेप्लिकेट होगा, इट विल रेप्लिकेट। यस, जो हमारा आरडीएनए, वो फटाफट मल्टीप्लाई करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, एंड लास्ट में इट विल एक्सप्रेस। अगर मैंने उसको अल्कोहल बनाने के लिए बनाया तो अल्कोहल बनाएगा, एंजाइम बनाने के लिए जीन डाल दिया तो एंजाइम बनाएगा, एंटीबॉडीज के लिए बनाया तो वो बनाएगा। अंडरस्टूड?
ऑल गुड. यस. हु? वाओ, नाइस, वेरी गुड वेरी गुड. होशियार हो गए सारे बच्चे मेरे, है ना? यस. ओके, आई विल सेंड एवरीथिंग. आई हैव सेंट ऑल द स्लाइड्स हेलो ऑलरेडी. यस, ये अपना मार्कर वाला रह गया था, उसको डाल देते हैं. यस, ओके, वेरी गुड. अगेन, इफ यू हैव डाउट्स, यू कैन एनी टाइम आस्क मी ऑन टेलीग्राम. जो लोग मुझे डाउट पूछते हैं उनको पता है, आई विल रिप्लाई, आई ऑलवेज रिप्लाई देयर. हेलो मैम, हेलो. हाँ अमीना, हेलो हेलो मैम, हेलो. हाँ बोलो. मैम यस अमीना, हेलो अमीना, डू वन थिंग प्लीज, राइट इन द चैट बॉक्स, इट्स इजियर दैट वे, राइट? तुम जो भी क्वेश्चन है हेलो पूछो, मैं रिप्लाई दूंगी. मैम. हाँ अक्षय बोलो. मैडम वो टेलीग्राम नहीं आ रहे ना. टेलीग्राम नहीं आ रहा है, मैं क्या क्या करूं? मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा. मैंने लिंक भेजा है आपको, राइट? मैडम मैंने लिंकेज नहीं देखा तुम्हारी. हाँ मैं लिंक भेजती हूँ वापस एक बार आपको. ओके हाँ गाइस, सॉरी. यस, एनी कंफ्यूजन टिल योर? ओके, ऑल गुड. ओके, यूसरा, तेरा तुम्हारा डाउट? सॉरी, नहीं, मुंबई वाली मैं हूँ. ओके, वेर आर वी? यूसरा यूसरा, योर डाउट. सॉरी, आई फॉरगॉट. वेक्टर प्लाज्मिड होगा, वेक्टर में हमारा जीन जाएगा. यस, पहले मुंबई वाली थी ना, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई. यस, ओके. एंड बैक्टीरिया जिसके अंदर वेक्टर जाएगा, यस, जिसके अंदर तुम्हारा वेक्टर जाएगा वो होता है होस्ट. ओके, आई हैव सेंड द लिंक वन मोर टाइम, प्लीज गो एंड क्या सर्च करना है बोलो, क्या सर्च करना है? यू विल हैव टू गो एंड सर्च नून एकेडमी क्लास 12 बायोलॉजी. यू विल गेट द टेलीग्राम लिंक, डोंट वरी. यस, कल पूरा एप्लीकेशन है. ओके, वन मिनट. ओके गाइस, सो टुमारो वी विल स्टडी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. कल ये क्लास चैप्टर डन हो जाएगा. ओके, फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस स्टार्ट करेंगे. तो अपना 75 to 80% पोर्शन डन. ह्यूमन हेल्थ हो गया तो हार्डली, नॉट इवन 15%, 85% पोर्शन डन. एकदम चिल्लू पिल्लू पोर्शन रह जाता है फिर. ऑल गुड. सो मैंने बोला था राइट, अप्रैल 1st वीक विल कीप दैट एज अ टारगेट. वेरी गुड गाइस. यस यूसरा, दोनों को अलग अलग से लेंगे, तीसरे में डालेंगे. ऑल गुड. सो टुमारो 6 AM सब लोग को आना है. प्लीज डोंट मिस दैट क्लास. उसका अलग लिंक है, उसका अलग ग्रुप है, वहां पे लिंक आएगा. सो सी यू ऑल टुमारो एट 6 o'clock. नहीं होते, डोंट वरी. यस, नहीं होते बुशरा, डॉक्टर बनना है ना हमको. डिसीजेस कंफ्यूजिंग लगेंगे तो कैसा चलेगा? वो मुझे लगा ही आदिल, कुछ रिप्लाई नहीं आया, मुझे ऐसा लगा था. काफी लोग है जो ऑन करके छोड़ दिए थे, रहने दिया. सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे हम लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज करने वाले हैं गाइस. इट्स ओके ऐश्वर्या, अभी पढ़ो, वी हैव टाइम. क्योंकि खत्म हो गया है, तुम्हारे दूसरे क्लास है. एंड प्लीज गिव मी गुड रेटिंग. यस,
एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड, शेयर नून एकेडमी, वो इतना मेरे लिए करो प्लीज। ओके प्लीज डोंट स्लीप, जल्दी से अभी सो जाओ। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन मैं रोज शेयर करती हूँ वहां पे पीयू। थैंक यू गाइस, कल एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। थैंक यू चिराग, थैंक यू। यस, बाय बाय, गुड नाइट।